यूपी अध्यक्ष युद्ध स्तर पर अपने नियुक्तिकरण के लिए तैयारी कर चुके हैं और लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी माओं को प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आइए देखते बड़ी खबर। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अधीक्षक लगातार अपनी माओं को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, अपनी नियुक्तिकरण के लिए ज्ञापन देते हुए अधीक्षक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बीच कहां कहां नियुक्तिकरण के लिए अधीक्षकों द्वारा ज्ञापन दिया गया। प्रदेश अधीक्षक संघर्ष और सराहनीय समाचार आप सभी प्रदेश के सम्मानित अधीक्षक साथियों को सादर समाचार प्रकाशित करते हुए हर्ष हो रहा है कि परिषदीय अधीक्षक कल्याण एसोसिएशन प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में हर तरह से नियमित हेतु सफलतम प्रयास समस्त जिलों से हो रहा है, जैसे धरना, रक्षा सूत्र कार्यक्रम, मंत्री, सांसद, विधायक, MLC महोदयों को मांग पत्र ज्ञापन कार्यक्रम। इस क्रम में प्रदेश के जिला गाजीपुर से जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में गाजीपुर से जिले के समस्त सम्मानित अधीक्षक साथियों ने मिलकर 1 सितंबर को माननीय श्री माधव प्रसाद पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री आशुतोष सिन्हा जी, शिक्षक MLC माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक जमानिया माननीय श्री किशन साहू जी, सदर विधायक गाजीपुर को गाजीपुर अधीक्षक टीम ने नियुक्तिकरण सहित 11 सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र तथा कार्यवृत्त कॉपी देकर अधीक्षकों की समस्या के समाधान हेतु ये सब कार्यक्रम किया गया है। अब उम्मीद करते हैं इन अधीक्षकों की समस्याओं का समाधान जल्द हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाया जाए। आप देख सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।